केरल में कोझिकोड की अतिरिक्त सत्र अदालत ने टीपी चंद्रशेखरन हत्या मामले में 11 लोगों को उम्र कैद सुनाई है। इनमें 7 लोगों का गिरोह भी शामिल है। इसके अलावा अदालत ने इन लोगों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उम्र कैद पाने वालों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय नेता केसी रामचंद्रन, टी के कुंजनंदन, मनोजन और एक अन्य अभियुक्त वीपी रफीक शामिल है। मामले के 15 अन्य अभियुक्तों की 28 फरवरी को अलग से सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय खालिस्तानी आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका पर शुक्रवार को विचार करेगा। न्यायालय ने करीब 10 महीने पहले भुल्लर की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील करने से इनकार कर दिया था। आंध्र प्रदेश में राज्य के पुनर्गठन विधेयक पर मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी के नोटिस पर विधानसभा और विधान परिषद में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। इस मुद्दे पर तेलंगाना और सीमांध्र क्षेत्र के सभी पक्षों के सदस्यों ने दोनों सदनों में खूब शोर शराबा किया। तेलंगाना के विधायकों ने मांग की कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक खारिज करने का मुख्यमंत्री का नोटिस वापस लिया जाए। दूसरी तरफ सीमांध्र क्षेत्र के तेलुगु देशम पार्टी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नोटिस पर मतदान कराए जाने की मांग की। असम के शोणितपुर जिले में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एक नागरिक मारा गया है और 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एपी राउत ने बताया कि ये मुठभेड़ ढेकियाजुली में हुई, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ प्रतिबंधित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का सामना किया। गोलीबारी के बाद पुलिस दल ने एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दम तोड़ दिया। बोकारो स्टील प्लांट में नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज हुई एफआईआर में 20 से ज्यादा अधिकारियों के नाम हैं, जो या तो बोकारो स्टील प्लांट में काम करते हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस संबंध में सीबीआई दिल्ली, मुंबई, रांची, बोकारो, पटना, भोपाल और भुवनेश्वर शहरों में छापेमारी की कार्यवाही कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती के चुनावों को अवैध घोषित करने की भाजपा नेताओं की एक याचिका पर नोटिस भेजा है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता और आरती मेहरा ने हाईकोर्ट में केजरीवाल और भारती पर आरोप लगाया है कि इन्होंने चुनावों में 17 लाख रुपए से अधिक खर्च किए थे, जो कि 14 लाख रुपए की वैधानिक सीमा से ज्यादा थे, इसलिए इनके चुनावों को अवैध घोषित किया जाए। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ममता शर्मा ने भी राष्ट्रपति और दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को विदेश जाने की छूट देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि उन्हें बाहर जाने की छूट सिर्फ उसी हालत में दी जा सकती है जब वे सेबी द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां उसे उपलब्ध करा दें। मंगलवार को बाजार में निराशा का माहौल रहा। सेंसेक्स 24 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 20,683 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी करीब 10 अंक गिरकर 6,126 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में आईटी, फार्मा और बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, लेकिन मेटल और रियल्टी शेयरों में जोरदार खरीदारी नजर आई।